हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको रेडीमेड कुर्ती में पॉकेट कैसे अटैच करना है वो बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक स्मॉल साइज की रेडीमेड कुर्ती ली है और एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया है। ये बचा हुआ कपड़ा मेरे पास था। अगर आपको पॉकेट लगानी है तो आप ये मैचिंग का कपड़ा ही इसका लें। मेरे पास मैचिंग का कपड़ा नहीं हो रहा था तो मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। तो अब सबसे पहले मैं पॉकेट की कटिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने दो फोल्ड में कपड़ा रखा है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए हैं। और इसको नापने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच की और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड कपड़े की ओपन है, तो दोनों में से आप किसी भी साइड से मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं ये जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आधा इंच पे पहले एक निशान में लगा ले रही हूँ और इस आधे इंच के नीचे को हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है। हर मेजरमेंट के लिए, आपका मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो, आपको 7 इंच पे ही निशान लगाना है, इससे कम में नहीं लगाना है। तो 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है तो सेम इसी तरह से रहेगा सबका। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला, इसको हमें घुमाते हुए नीचे वाले पॉइंट पे मिलाना है। तो देखिए किस तरह से मैं इसका शेप बना रही हूँ, इस तरह से चौड़ा सा मैं इसको घुमाते हुए यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए, जैसे आधा दिल का शेप होता है वैसा हमें बनाना है। हाफ हार्ट का हम जो बनाते हैं उसी तरह से हमें इसका शेप बनाना है। देखिए इसकी चौड़ाई और गहराई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा गहरी पॉकेट चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसके पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। ये इस तरह से गोलाई में सिलाई लगानी है और दो पार्ट में कपड़ा रखा है हमारा। तो सिलाई कैसे लगानी है मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आधा इंच का हमें गैप छोड़ना है। देखिए ये आधा इंच का शुरुआत में गैप छोड़ना और फिर सिलाई लगानी है। दूसरे कोने पर भी आधा इंच का गैप छोड़ना है, फिर उसके बाद से हमें इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो ये कैसे सिलना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी पॉकेट है और यहाँ ये जो निशान है इससे हम सिलना स्टार्ट करेंगे। आधा इंच शुरुआत में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप सिल के इसको लॉक कर लें एक बार, उसके बाद ही आप इसमें आगे को सिलाई लगाएं, नहीं तो सिलाई उधर जाएगी अगर आप लॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी दूसरे कोने पर भी आधा इंच से पहले ही हमें रोक देना है और लॉक कर लेना है सिलाई को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आधा इंच का गैप मैंने छोड़ा है। आधा इंच का कपड़ा हमारा यहाँ पे खुला हुआ रहेगा इस तरह से, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी आधा इंच खुला रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। सीधी तरफ को पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर लें ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। अब इसको कैसे अटैच करना है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए मैंने ये कुर्ती ली है, ये रेडीमेड कुर्ती है और इसकी जो पॉकेट लगेगी वो राइट हैंड साइड पे लगती है। तो राइट हैंड साइड पे आप एक बार निशान लगा लें कि राइट हैंड साइड कौन सी है, जिससे हमें इसको पलटने के बाद आइडिया आ जाए। अब राइट हैंड साइड पे निशान लगाने के बाद इसको हमें पलट लेना है। देखिए मैंने कुर्ती को उल्टी तरफ को पलट लिया है और ये देखिए ये मेरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है और इसमें निशान लगाया था हमने। अब ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड के इस कोने पे हमें यहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है। तो उससे पहले हमें थोड़ी सी मार्किंग इसमें करनी पड़ेगी। तो शोल्डर से नीचे को कमर के लिए निशान लगाना है। कमर जनरली हमारी 14 या फिर 15 इंच पे होती है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब इस निशान से नीचे को हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। ये भी सारे मेजरमेंट के लिए सेम ही रहेगा। आपका कोई भी साइज है 6 इंच पे ही निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इतना हिस्सा जो है, ये जो 6 इंच वाला हिस्सा है, इसको हमें उधार देना है। अब यहाँ पे जिसकी सिलाई है इसको उधार देना है। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई यहाँ पे उधार दी है और ये ओपन है यहाँ पे हिस्सा। अब ये जो ये पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा, इसकी भी हमारी जो सिलाई है वो उधरते जाएगी। तो ये उधड़े ना, इसके लिए हमें इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है पहले। तो देखिए ये जो निशान हमने लगाया, इससे ऊपर वाले हिस्से को हमें लॉक करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर लिया है बैक स्टिच करके। और सेम इसी तरह से जो नीचे वाला जो चाक वाला कोना है, इसको भी हमें इसी पॉइंट तक जो हमने 6 इंच पे लगाया था वहां तक इसको हमें लॉक कर लेना है।
तो ये देखिए मैंने इसको सिल के यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। अब सिलाई ऊपर को उधड़ेगी नहीं यहाँ पे जब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें पॉकेट लगानी है, तो ये मैंने पॉकेट ली है और इसको हमने कपड़े के सूट की उल्टी तरफ पे रखा है। देखिए रॉन्ग साइड पे इस तरह से रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कपड़े का बचा हुआ कोना है, ये जो जितना मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा होता है, रेडीमेड में आपको पता ही है ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, तो जितना भी मार्जिन आया है उसको आप इस तरह से खोल के रख दें और इसमें प्रेस कर लें अच्छे से, या फिर आप इसको नाखूनों से भी दबा सकते हैं इस तरह से। तो एक पार्ट हमें जितनी भी सिलाई आ रही है इसको ऊपर को फोल्ड करके रख देना है। अब पॉकेट को हम इस तरह से रखेंगे, देखिए अंदर की साइड को हमारी पॉकेट लगाई जाती है, तो जिस तरह से भी पॉकेट लगती है उस तरह से हम यहाँ पे इसको रख देंगे। और इसके बाद ये जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है, एक हिस्सा ऊपर है एक नीचे है और आधा इंच का मार्जिन देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो कुर्ती के नीचे वाले हिस्से पे ज्वाइन होगा। देखिए ये कुर्ती का जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला मार्जिन जो है उसमें हम पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए, जो 6 इंच का गैप छोड़ा था कोने से मिलाते हुए रखना है। मार्जिन आपका कितना भी हो, आधा इंच का, 1 इंच का, 2 इंच का, कितने का भी मार्जिन हो, लेकिन हमें पॉकेट को कोने से ही अटैच करना है इस तरह से। एक साइड को हमें अटैच करना है और यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगानी है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि कैसे अटैच करना है अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए जो कुर्ती है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमारे पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा अटैच होगा। तो पॉकेट को आप इस तरह से रखें और पॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा उसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए ऊपर से आधा इंच का गैप हमें इस तरह से खोल के रखना है और यहाँ पर ऐसे करके सिलना है। यहाँ पर इससे पहले, सिलने से पहले यहाँ पर देखिए जहाँ तक भी हमारी ओपनिंग है वहाँ पर आप एक निशान लगा लें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जहाँ तक भी ओपनिंग है यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान पर हमें यहाँ पर ये पॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मिलाते हुए रखना है। देखिए जो आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था पॉकेट में वो थोड़ा सा ऊपर को होना चाहिए, मार्क के ऊपर होना चाहिए। और बाकी देखिए यहाँ पर कोने पे हमें सिलाई लगानी है। इसको सिक्योर कर लें 2 बार सिल के और बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हमें सिलना है। देखिए इस तरह से कोने से कोना मिलाना है और आधा इंच की दूरी पे हमें इसको सिल देना है। और सिलने के बाद देखिए जो दूसरे वाला कोना आएगा यहाँ पर भी आधा इंच का जो हमने कपड़ा छोड़ा था पॉकेट में उसको स्ट्रेट करके रखना है इस तरह से और यहाँ पर कोने को लाते हुए सिल देना है। ये देखिए बिल्कुल कोने से मैंने इसको यहाँ को बाहर को सिल दिया है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने पॉकेट को सिल दिया है। अब पॉकेट को उठा के इस तरह से दूसरी साइड को टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद आप देखेंगे कि पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है वो ओपन है और इसको हमें कुर्ती के जो दूसरा वाला हिस्सा है इस पे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए ऐसे करके रखना है और इसमें भी आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं एक बार चौक से निशान लगा लेती हूँ कि कहाँ पे हमें अटैच करना है। तो ये जो दूसरा वाला पॉकेट का हिस्सा है इसको यहाँ पर हमें ऐसे करके मिलाना है और आधा इंच की दूरी पे नीचे को इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है, इसको कोने से जोड़ते हुए। बस ध्यान रहे कि नीचे दूसरा वाला साइड ना दब जाए, बस बाकी हमें इसको स्ट्रेट सिल देना है। यहाँ कोने पे मैं जूम करके दिखाती हूँ, देखिए ये यहाँ पर हमें बिल्कुल मिलाते हुए सिलना है तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर करके इसको लॉक कर दिया हमने ऊपर को और फिर नीचे को आधा इंच की दूरी पर हमने इसको सिल देना है। अब ये जो दूसरी साइड का कोना है आधा इंच का इसको भी हमें स्ट्रेट करते हुए इस तरह से रखना है और इसमें भी सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल कोने से मिलाते हुए सिलना है जहाँ पे पहली वाली सिलाई थी ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है, ये वाली साइड भी अटैच हो गई है और पीछे वाली साइड भी पॉकेट की अटैच हो चुकी है। अब आप जो इसका जो धागे निकल रहे हैं यहाँ पे आप इसको ओवरलॉक कर सकते हैं। उसके बाद बस हमें कुर्ती को सीधी तरफ को टर्न कर देना है और मैंने देखिए सीधी तरफ को टर्न कर दी है और पॉकेट हमारी अटैच हो चुकी है बहुत अच्छे से। यहाँ पर से आप देख सकते हैं अंदर को है पॉकेट और ये जहाँ तक शो भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे फिनिशिंग भी कोने पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। ऊपर वाली साइड में भी कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से निकल के आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉकेट का जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ को है और अगर आपका सेम मैचिंग होगा तो ये दिखेगा नहीं। अब आप इसमें प्रेस कर दें ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए मैंने इस कुर्ती में प्रेस कर दी है पॉकेट में
और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ पॉकेट अटैच हो चुकी है और ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है बनके। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि जो कपड़ा है वो बाहर को नहीं आ रहा है पॉकेट का, तो इसी तरह से हमें पॉकेट बनानी है। और ये पॉकेट बनके हमारी तैयार हो गई है। और इसका एक लुक मैं आपको ऊपर की तरफ से भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल भी साइड में पता नहीं चल रहा राइट हैंड साइड में कि पॉकेट है। तो इसी तरह से आपको पॉकेट अटैच करनी है।